सभी को नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का। आज मैं अपनी वीडियो की शुरुआत, देखिए लखनऊ में कितना मौसम अच्छा हो रखा है, अभी पहली बारिश आ रही है, यहाँ पेड़ पौधे सब खुश हो रखे हैं बारिश को देख के। सबकी धुलाई हो गई, पत्ते सब साफ हो गए, जिसमें सब जो भी ये धूल मिट्टी लगा होगा सब साफ हो गए, जिन्हें कितने अच्छे से खिले हुए। आज दिखा रही हूँ मैं आप लोगों का मेरे छत में क्या क्या लगा है, इसका अपडेट आप लोगों को दे रही हूँ। यहाँ पर लगा है अमरूद का पौधा, देखिए फूल कितने अच्छे आ रखे हैं, और ये भी कितने अच्छे आ रखे हैं, कलियाँ बहुत सारे कलियाँ हैं। कुछ तो मैंने इनको हैंड पॉलिनेशन कर दिया है, कुछ कुछ को करना है, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा निकलता है हैंड पॉलिनेशन का। इनको भी मैंने किया था, देखते हैं। इतने सारे लगे हैं, भर भर के आ रखे हैं सब अमरूद में, कलियाँ ही कलियाँ नज़र आ रही सब जर। यहाँ पर एक छोटा सा है, ये तो अभी ये बीच से ही मुझे लग रहा है अपने आप हो रखा है। यहाँ पर लगा है कनेर, कनेर ये डबल पैटर्न वाला है, सबसे अच्छा प्लांट लगता है मुझको कनेर और बोगनविला, बहुत कम केयर मांगती है और हार्डी प्लांट है ये। देखिए बोगनविला, और इनको आप सड़क में जाओ कहीं से भी आप कटिंग करके ले आओ, फ्री के प्लांट बन जाते हैं एक से एक कलर के। देखिए गुच्छे में खिले हैं, कलर देखो कितना अच्छा है। ये देखो इनको सब मैंने कटिंग से ग्रो किया था, ये मोटा वाला लाया था मैंने काट के। अब इसका मैं ऐसा करती हूँ, जैसे इन मैंने यहाँ से इनको काट दिया था, कुछ ब्रांच यहाँ से काट दिया था, इन पे सब ये कितने ब्रांच आ गए, बहुत सारे ब्रांच आ गए, एक में तीन तीन चार चार आ रखे। अब दो ब्रांच का मैंने रखा है इसको ऐसे ही, दो ब्रांच ऐसे रखे हैं इनको। अब इनको मैं तभी काटूंगी जब इनको इनमें फूल आने लगेंगे, फिर इनको यहाँ से काट दूंगी, यहाँ से फिर इनमें भी ब्रांच बन जाएंगे ज़्यादा, लेकिन फूल भी फिर बने लगे रहेंगे इन पर। फूल से जो है भरा रहेगा, ये देखो ये है सेकंड, ये वो है सिंगल वाला, दो लगे हैं यहाँ पर मेरे कनेर के। ये इधर ऐसे ये अमरूद का है, ये गेंदा, गेंदा का पॉट रख दिया मैंने नीचे, अमरूद के नीचे एक पॉट रख दिया यहाँ पर अमरूद के पेड़ के नीचे, ताकि मधुमक्खी भोरे पॉलिनेटर जो भी आएंगे इसमें फूल में आके ऊपर अमरूद पर लगेंगे, अमरूद फिर पॉलिनेटर कर देंगे। एक लगाइए अमरूद, ये अभी पकने वाला है, देखिए अरे ये देखिए चिड़िया खाने लगे इसको, अभी देख रही मुझे दो लगे हैं इधर, ये पिंक वाले इतना टेस्टी है, बहुत ज़्यादा है। और ये लगा है यहाँ पर कड़ी पत्ता, इसका फूल देखने कितना सुंदर है, लेकिन इसको रखना नहीं, इसको मैं तोड़ के फेंक दूँगी। ये भी मैंने यहाँ पर लगा था, इसको हटा दिया, देखिए कितने ब्रांच यहाँ से निकलने लगे हैं। यहाँ लगाया आड़ू का पौधा, अभी इस पर लगा नहीं है, अभी ये छोटा ही है, साल भर का है, बाद में लगेगा। ये इतने सारे इसमें फूल डाले थे, इतने सारे सब यार थे, फिर इनको लगा देंगे। अब इन इन दोनों का देखो कैसा हल्ला हो रहा है, ये बहुत दिमाग ख़राब करते हैं दोनों, ये देखिए इतना हल्ला करते हैं, आपस में पता नहीं क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं। उधर मैंने सब फैला रखा है, इधर यहाँ है ऐसे है, इधर ये है देसी वाला कैक्टस, कितना अच्छा कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। इधर लगे हैं गुलाब, अब इनके जो ये है ना ये ऐसा और का, इनको सब काटना है, कहीं से काट दूँगी ताकि इसमें फिर नया फूल आए। ये गुच्छा वाला है, ये पूरा ये पूरे भरा हुआ है, ये सब अब इनको कटिंग करना है। ये है पीला वाला बोगनविला, इसमें तो बहुत सारे आए थे, पूरा महीना भर इसमें फूल रहा, अब ये सब फट गए। इधर सब बोगनविला और ये गेंदा है,
ये है वाइट वाला बोगनविले, इधर सब ये ऐसे लगाए थे, इसी वाला डीजी लगे हैं। इधर ये है, हम इसको बोलते हैं बारहमासी फूल। इसका बीज फिर निकल जाएगा, फिर मैं इसको डाल दूँगी, फिर हो जाएगा ये। यहाँ देखिए कितना अच्छा चीकू का प्लांट, फूल तो बनते हैं लेकिन फल अभी बनने नहीं लगे। प्लांट देखो कितना अच्छा और हेल्दी है, कितना सुंदर लग रहा है। एक अमरूद का पौधा यहाँ पर है, इन पर अभी लगेंगे ना, अभी ये छोटे हैं। ये देसी डेजी सब ऐसे, इनको मैंने बीज के लिए रखा है, अब जब अच्छे से पक जाएंगे फिर इनका बीज निकालेंगे। ये है इधर रेन लिली, वाइट वाले हैं सब ये। अब इसका तो गया, अब इसको हटा दूंगी मैं, कुछ और लगा दूंगी। इसमें डाल रखा मैंने बीज डाल रखा है, इसमें देखते हैं आते नहीं आता हो कैसे होता है। ये हैं सब, नर्सरी तैयार हो रखा है। ये सब है खीरा, ककड़ी, ये कद्दू, ये तुरई, सब छोटे छोटे ये थैलों में लगा रखा है, ये इनमें लगा रखे थैलों में। उसको मैंने एक रोग में डाल दिया, ऊपर रख दिया। अब इनको शिफ्ट करेंगे अलग दूसरे बड़े वाले ग्रोव में। ये है लाइट पिंक का वो बोगनविलिया, गुच्छे में आता है ये भी, बहुत सबसे बढ़िया प्लांट। ये पिंक वाला है, ये जेड प्लांट, ये छोटा सा लाई थी मैं कहीं से मांग के, तो देखिए कितना बड़ा हो गया। अब इनको भी कटिंग करके मैं बहुत सारे प्लांट बनाऊंगी, अब उसको बनाऊंगी बोन साइज। ये सब ऐसे हो रखे, सदाबहार का तो भरमार है, फूल खिल खिलाते हुए सब जगह। इधर है ये तुलसी माता, ये सदाबहार सब। यहाँ है ये गुड़हल, सिंगल और डबल, किसी में दो दो कलर के हैं। ये देखिए फूल सब गिर झड़ रहे हैं, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इन फूलों को मैं सब मैं यहाँ इकट्ठा करती हूँ। इसका फिर जिस दिन किसी दिन वीडियो बनाऊँगी फिर आप लोगों को दिखाऊँ मैं क्या करती हूँ उसका। ये है डबल पैटर्न का, देखें गुलाब, ये गुलाब गरीब गुड़हल, कलर कितना प्यारा है। किसी दिन इनमें बहुत ज़्यादा खिलते हैं, किसी दिन इनमें कम खिलते हैं फूल। अब इनका लाइफ एक ही दिन है, एक दिन के लिए खिलते हैं, दूसरे दिन फिर चले जाते हैं बेचारे। इधर लगा रखा था एक पत्ते, नर्सरी से लाए थे, कौन सा फूल है ये मुझे नहीं पता है। जब फूल लगेगा तभी पता चलेगा। ये मैंने लगाया था, इसमें सब ये हो गए खराब, हो सब गल गए, एक ही पौध हुआ ये खाली, एक ये भी गल गया। इधर लगा रखे ये सब, ये गुल मेहंदी दो में, और देशी है कि क्या है पता नहीं, छोटे छोटे लग रहे हैं अभी। ये खाली है, इनमें डालना है। ये जीनिया का प्लांट है, एक निकला है जो। इधर नींबू लगे हैं, बहुत सारे लगे थे, कुछ इतना तेज़ हवा हुआ सब झड़ गए हवा से। कोई कोई लगे हैं, बारहमासी हैं, कोई बात नहीं, फिर अभी कुछ दिन बाद फिर फूल निकलेंगे, फिर लगने लगेंगे इन पर। कुछ कुछ लगे हैं, कुछ बड़े हो गए, कुछ अभी ये छोटे हैं। ये है हमारा नुम्मा, अपना पहाड़ का नुम्मा, इस बार लगाई देखने, इस बार नहीं तो दो तीन साल से तो फूल आ रहे थे ना काफ़ी, लग नहीं रहे थे, इस बार लगाए देखो कैसे होता है। जो आधी आधी होगा वो लगी रहेगा तो सब झड़ जाएंगे, ये भी लगे हैं इधर ऐसा। इधर कर रखा हमने देखो, ये आजकल पतझड़ में काफ़ी सारे पत्ते मिलते हैं फ्री में खाद बनाने के लिए, ये कटवर के लिए आए। अब ये जब ग्रो बैग भरेंगे ना, उनके नीचे बीच बीच में डाल के फिर मिट्टी भरेंगे और हल्का हो जाए, बाद में ये खाद बन जाएंगे बहुत अच्छा। यहाँ पर एक ये लगा था धनिया, अपने आप हुआ था, इसका बीज बनने लग गया। अब जब एक दो दिन रखूँगी फिर इसको निकाल दूँगी। इधर सब ये अमरूद के पत्ते हम काट कूट के यहाँ पर रख दे रखे, पत्ते झड़ जाएंगे खाद बन जाएगा ये सब। ये है इधर करेला, कुछ बीज डाले हैं, कुछ दो पौध निकले हैं उन पर भी, यहाँ लगा रखा मैंने जुगनी, देखते हैं कैसे होते हैं जुगनी।
ये सब, ये लेमन ग्रास है, ये लिलिया, इनको सब फिर अभी करना है, अलग अलग करना है, लगाना है, कहाँ टाइम भी नहीं हो रहा है। ये है धनिया, सॉरी पुदीना, पुदीना को भी बड़े होंगे ना फिर, यहाँ जहाँ जहाँ जगह है यहाँ पर इनमें मैं कटिंग करके लगा दूँगी। तुलसी माता ही है, जरा कुछ ये सब इधर मैंने क्या लगा रखा, लाइन से जुगनी लगा रखे, कोई पीला है कोई हरे हैं, पीला तो मुझे लग रहा है दो ही निकले हैं, हरे ज़्यादा हैं, हम देखते हैं जब लगेगा इन पर जुगनी फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसा लगा ये जुगनी। एक ये है मनोकामना का फूल, इसको यहाँ से ऊपर से काट दिया था मैंने, फिर ये प्रांत अच्छे निकले, इनके फूल आते हैं छोटे छोटे लेकिन इतनी सारी खुशबू रहती ना इनमें, बहुत ज़्यादा रहती। एक एक मेरे यहाँ पर ये है डबल पैटर्न का, दो कलर का आते हैं इसमें, वाइट और पिंक, इधर सब ऐसे ही लगा है। ये कपास का पौध, ये सब कटनी छटनी फटनी करके फिर इनके निकल रहे हैं ब्रांच, ये सब गुड़ल है इधर ऐसे, इधर से काट के कुछ कुछ ये सब हो रहे हैं। ये अच्छा लाल वाला गुड़ल है, इतना आता छोटा आता पर बहुत लाल कलर का आता है, ये वाइट वाले गुड़ल है। इधर लगे हैं दो नीम के पेड़, ये भी नींबू है, ऐसे ही नींबू है, ये सब इधर ऐसे ही नींबू लगाए। ये वाइट वाला पिटोनिया देसी का, इसको तो एक बार वो फिर अपने आप उगाता है, गर्मी भर में फूल देगा फिर, ये वाइट वाला है गुड़ा। इधर ये सांतनी छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं अब गुच्छे में, इधर ये नींबू कप में। ये है मेरा छत का नज़ारा बारिश के मौसम का, कैसा लगा आप लोगों को मेरा छत का नज़ारा, जो जो मैंने पेड़ पौधों आप लोगों को दिखाया, आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सभी को नमस्ते, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।